हेलो भाई, मेरा नाम है हर्ष शर्मा। भाई आज है हमारे पास स्टील व्हील और एलॉय व्हील। आज मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूँ, इनके क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या ड्रॉबैक्स है। भाई अगर मैं एलॉय व्हील्स की बात करूँ, इसके बेनिफिट्स की, तो ये सबसे पहली बात, तो लोग इसे इस वजह से लगाते हैं, इनसे गाड़ी का लुक थोड़ा इनहेंस हो जाता है। और दूसरी बात ये है, इससे गाड़ी माइलेज भी सही देती है और इससे ये छोटे मोटे गड्ढों में टूटते भी नहीं है। और अगर स्टील व्हील की बात करूँ, तो स्टील व्हील से गाड़ी माइलेज कम देती है और ये इनके मतलब गड्ढों वगैरह में अगर पड़ जाते हैं तो बैंड्स आ जाते हैं इसके, मतलब गद्दे पड़ जाते हैं स्टील व्हील में। और अगर मैं स्टील व्हील की बेनिफिट की बात करूँ, अगर इसमें मान लो कि थोड़ा बहुत गड्ढा वगैरह डेंट वगैरह पड़ गया तो ये रिपेयर हो सकता है, लेकिन अगर इसमें डेंट वगैरह तो पड़ता नहीं है, डायरेक्ट टूटता है। तो अगर मान लो आपने ये गड्ढे में गाड़ी गिर गई और इस पर डेंट तो आने का नहीं और ये टूट गया, तो ये रिपेयर नहीं होने का, आपको नया लेना पड़ेगा। और इसकी बात करूँ तो ये रिपेयर हो सकता है। दूसरा, एलॉय व्हील थोड़ा एक्सपेंसिव आता है और स्टील व्हील थोड़ा इसके कंपैरिजन में काफ़ी मतलब सस्ता आ जाता है। भाई एक बेनिफिट एलॉय का ये भी है, आप देख भी पा रहे होगे, एलॉय व्हील पे जंग नहीं आता। और इस पर आप अभी भी देख रहे होगे, इधर ये ऐसे पेंट्स वगैरह मतलब जंग आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे इधर आ रहा है अगर दिख रहा हो तो। और अगर मैं इसकी यूसेज की बात करूँ, तो अगर आपकी रनिंग सिटी में है या हाईवेज पे है तो आप एलॉय व्हील को प्रेफर कर सकते हो, बट अगर आपकी रनिंग गांव के रास्तों पे है या खड्डों वगैरह में है तो आप स्टील व्हील को प्रेफर करना, क्योंकि ये रिपेयर हो सकता है। और अगर ये खड्डे वगैरह में पड़ गए, वैसे तो आसानी से टूटते नहीं, लेकिन अगर टूट जाते हैं तो एक तो डायरेक्ट टूटते ही है, रिपेयर नहीं होते, फिर आपको नया डलवाना पड़ता है और ये एक्सपेंसिव भी है। अगर ये 2000 का है तो वो 6000 का होगा, आप डिफरेंस आप ही देख लेना। भाई अगर मैं इन दोनों के वेट के डिफरेंस के बारे में बात करूं, तो स्टील व्हील के कंपैरिजन में एलॉय व्हील में बहुत लाइट वेट होते हैं, तो लाइट वेट की वजह से गाड़ी का पिकअप भी ज़्यादा होता है और गाड़ी माइलेज भी सही देती है और गाड़ी के सस्पेंशन भी कम डैमेज होते हैं। और अगर आपकी गाड़ी में स्टील व्हील्स होंगे तो गाड़ी का पिकअप इसके एलॉय व्हील के कंपैरिजन में गाड़ी का कम होगा और गाड़ी माइलेज भी कम देगी और गाड़ी के सस्पेंशन भी ज़्यादा डैमेज होंगे। और भाई सबसे बड़ी बात, लोग तो इस वजह से लगाते हैं, गाड़ी का लुक आप देख पा रहे होगे अलग ही मतलब इनहेंस हो जाता है एलॉय व्हील को लगवा के। भाई अगर आप अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ, अगर आपकी रनिंग हाईवे वगैरह सिटी वगैरह की है, रोड्स वगैरह सही है, तो आप एलॉय व्हील को प्रेफर करना। और सबसे बड़ी बात, एलॉय व्हील से गाड़ी का लुक ही अच्छा सा मतलब अलग ही हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, अगर इन्फॉर्मेटिव थी तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।